कंगना असीं तैनूं समझाया सी ना छड़न दा पंगा ना लवीं, लग गई ना तेरे औकात दा पता तैनूं। दो मूवियां की किसी दियां हिट हो गईयां, रब बन बैठे सी, हंकार दी एड्डी सीमा हो गई सी कि खुदा समझी जा रहे सी अपने आप नूं खुदा। कंगना दे नाल नाल जिहड़े कंगना दे होर चेले ने ना, जिहड़े होर उहदियां चूड़ियां पा पा कुद्दे रहिंदे ने, बंदे ते है नहीं गे। खेती कानूनां दे विरोध च किसानी अंदोलन जारी आ, तां किसानां दे हक च दूजे देशां दीआं नामी हस्तियां नितर रहीआं ने, पर अपने देश दीआं नामी हस्तियां खेती कानूनां दी वकालत कर रहीआं ने। खास करके विवादित अदाकारा कंगना रनौत जो लगातार किसानां नूं अतवादी कह रही है। बीते दिनी कंगना ने कौमांतरी गायिका रिहाना दे ट्वीट ते रीट्वीट करदिआं कहा सी कि इह लोक किसान नहीं अतवादी ने, जो देश नूं वंडना चाहुंदे ने तां जो चीन वर्गे देश साडे देश ते कब्जा कर लैण। जिस तों बाद लोक कंगना रनौत खिलाफ भड़क उठे। दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस नूं लै के कंगना ते तिक्खा हमला बोलिया, जिस तों बाद ट्विटर इंडिया हरकत चाया अते कंगना नूं झटका दे दिता। जिस तों बाद मनजिंदर सिंह सिरसा ने मुड़ कंगना नूं उड़ीके लिया अते दावा किया कि कंगना का अकाउंट भी डिलीट करवाउणगे। नाल ही सरकार नूं अपील भी की कि कंगना ते देश द्रोह का मामला दर्ज करवाया जाए। आज ट्विटर इंडिया ने जो कंगना रनौत ने किसानों को बदनाम करने के लिए ट्वीट किया था उसको डिलीट किया। ये दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की बहुत बड़ी जीत है, किसानी की बहुत बड़ी जीत है। वो ट्वीट जिसमें किसानों को आतंकवादी कहा जा रहा था और यहां तक कहा गया था कि देश को तोड़कर किसान चाइना को देना चाहते हैं, मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं, अपील करता हूं, ट्विटर इंडिया ने तुम्हारी बात को माना है, आप भी उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराए और उसको हैसियत उसकी हैसियत समझाएं। और मैं कंगना को भी कहना चाहता हूं, शायद तुम्हें आज अपनी हैसियत भी और किसानों की ताकत समझ में आ गई होगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी अभी तो ट्वीट डिलीट कराया, अभी तुम्हारा ट्विटर अकाउंट भी डिलीट करा के छोड़ेगी। थोड़ी देर बाद सिरसा साहब मुड़ लाइव होए अते कंगना खिलाफ भड़ास करदिया कहा कि कंगना तेनू कहा सी ना कि साडे नाल पंगा ना लवीं, हुण लग गया पता अपनी औकात दा। कंगना असीं तैनूं समझाया सी ना छड़न दा पंगा ना लवीं, लग गई ना तेरे औकात दा पता तेनू, तेनू अपनी हैसियत भी पता लग गई ते साडी ताकत भी पता लग गई। और वीरो मैं तुहानू भी कहा सी यह वीडियो शेयर करो जिन्हूं पड़थू पा देंगे पढ़ने पा देंगे, तुहानू मैं दसना चाहुंदा है जिहड़ा साडे किसानां दे खिलाफ कंगना ने ट्वीट पाया सी और यह कहा सी कि किसान अतवादी ने, और यह कहा सी कि किसान देश नूं तोड़ के ते चाइना नूं देना चाहुंदे ने। दो मूवियां की किसी दी हिट हो गई, रब बन बैठे सी, हंकार की एड्डी सीमा हो गई सी कि खुदा समझी जा रहे सी अपने आप नूं खुदा। पता लगा किसान की ताकत नूं तुसी अजे भी घट आंक रहे जे, तुहानूं लगता है कि तुसी कुछ भी करी जाओगे लोग चुप रहणगे। एक वीडियो लोगों ने शेयर करनी शुरू की, ट्विटर इंडिया नूं पड़थू पै गया, मूह दे उत्ते बहुत वड्डी चपेड़ आए उन्हां लोगों दे जिहड़े कंगना दे ट्वीट नूं रीट्वीट कर रहे सी, उन्हां दे मूह ते वी चपेड़ आ। तुसी देश दे अंदर अग लाउण दा काम करो, किसानां नूं गालां कड्डो, किसानां नूं अतवादी वक्खवादी कहो, जिन्हां लोगों की हैसियत ही ना होवे ओह लोग सानूं माड़ा चंगा कहण। मैनूं लगदा कि अज कंगना नूं ना जिवें स्कूल च मुर्गा बनाउंदे हुंदे सी, अज नूं खुद मुर्गा बन जाणा चाहीदा, दोवें कन्न फड़ के ते उठक बैठक करके माफ़ियां मंगणियां चाहीदियां ने, जे शर्म हैगी। वैसे शर्म च है कोई नहीं, लज्जा है कोई नहीं। जिहड़े लोग अन्नदाता दे बारे च इहो जिहियां गल्लां कह सकदे ने, हसान फरामोश लोग जिहड़े अन्नदाता नूं अतवादी कह सकदे ने, उहनां दे अंदर गैरत मरी होई आ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੜਛਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਬਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਰੇਲ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਹੋਰ ਚੇਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉਹਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੁੱਦਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਦਦੇ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਇਹ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
पर मैं उन्होंने कहना चाहना है तुसी भी कोई शर्म करो, अज तुहाडे धोते मूंह ते भी चपेड़िया नाल जेड़े बहुत कुद कुद के लिखते सो ए किसान वो किसान अतवादी देश तोड़ दिया ये कर दिया वो कर दिया लगा पता। पर मैं लाल किले वाले फिर तो एक बार कहना चाहना लाल किले की बेइज्जती कर दी, लाल किले को बदनाम कर दिया। ओ पहला इतिहास तूस पढ़ो जाके, कोई शर्म करो ये गल कहने तो पहला। जे कोई शर्म या हैगी है ना तो पहला पढ़ के वेख के लाल किला है की औरंगजेब इससे तो लैके और तिलक जनेऊ ते हमले करता रहा, गुरु तेग बहादुर साहब जी दे अगे इसे लाल किले दे उत्तों हो रहे हुक्म जेड़े सीगे उन्हां दे डर तो ही गुरु तेग बहादुर साहब जी दे चरणां च पहुंचे सीगे। कश्मीरी पंडित ते जाके कहा सी साडा धर्म बचाओ और गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपनी महान शहादत दे के ते तिलक ते जनेऊ दी रक्षा कीती। जाके इस तिलक जनेऊ दी रक्षा करने वाला पवित्र स्थान गुरुद्वारा सीसगंज जाके मत्था टेको, इन्या सान फरामोश ना बनो, नक रगड़ो जाके ते माफी मंगो। जेडे लोग कह रहे सी लाल किले की बेइज्जती होगी, लाल किले की इज्जत ही कोई नहीं, उते केवल और केवल एक कातलां दे हुक्म सुनाउण वाला स्थान आ, जुलम दा प्रतीक आ। पर मैं लंबा ना कह के जरूर कहना चाहना है आ कंगणा दा मरोड़ कढ दित्ते आ, इहदी आकड़ कढती आ। जदों बंदा हंकार च आ जाए ना उहदी बुद्धि भ्रिष्ट हो जाती आ, उन्हें भुलेखा पैण लग पैंदा कि मैं रब बन गया। कंगना रनौत शुरू तो ही किसानां नूं अतवादी कहिंदी नजर आउंदी आ। गोदी मीडिया ते कंगना ने पूरा जोर लाया होया कि किसे ना किसे ढंग नाल किसानां नूं गलत साबित कर सकन। हालांकि बाकी बॉलीवुड चुप बैठा सी पर जदों कमांतरी गायिका रिहाना दा ट्वीट किसानां दे हक च आया तां बवाल हो गया, कई चेहरे नंगे हो गए कि उह किसानां दे बल ने जां मोदी सरकार दे बल ने। ब्यूरो रिपोर्ट चैनल पंजाब।